हरियाणा के लाल जीवन सिंह राठौड़ के पार्थिव शरीर को शाम को उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गुरुवार रात हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवान जीवन सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव रोहन में लाया गया। भारतीय सेना ने शुक्रवार सुबह शहीद जीवन सिंह के शहीद होने की सूचना उनके परिजनों को दी, जिसके बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जीवन सिंह के पार्थिव शरीर को शाम को उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान शहीद के परिजनों और गांव के लोगों की आंखें नम हो गईं। शहीद राइफलमैन जीवन सिंह का पार्थिव शरीर गुलमर्ग से लाकर एयरफोर्स सेंटर पहुंचाया गया, जहां से सेना के वाहन में उनके गांव रोहन लाया गया। इस दौरान रास्ते में बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके अंतिम दर्शन किए। कालावाली के नायब तहसीलदार कंवरदीप सिंह और डीएसपी अर्शदीप सिंह ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। जीवन सिंह अपने परिवार में चार बहनों के इकलौते भाई थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो छोटी बेटियां और माता पिता हैं। 2016 में सेना में भर्ती हुए जीवन सिंह राजपूताना राइफल में तैनात थे। उनकी शहादत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्व और शोक के साथ भर दिया है। शहीद जीवन सिंह राठौर का अंतिम संस्कार उनके गांव के शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान शहीद की 4 साल की बेटी अनन्या ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उनकी छोटी बेटी भीसा और पत्नी कोमल गहरे सदमे में हैं, जबकि माता पिता भी अपनी संतान के इस असमय जाने से टूट गए हैं। पूरे गांव में शोक की लहर है और लोग लगातार उनके घर जाकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। जीवन की शहादत ने पूरे क्षेत्र को गर्व के साथ साथ गम में भी डुबो दिया है।